अच्छा ना अच्छा बढ़िया वहां तो बढ़िया ही है। तुम्हें तो बदली मिल गई होगी। मिल गई नहीं मिलेगी मित्रों? बताओ, जनता जवाब चाहती है। हरामी लोगों, तुम्हें तो मिल जाएगी भाई। नहीं मिली तो मिल जाएगी, तुम्हें मिल जाएगी। मेरा सोचा कभी? भाई का सोचा है? नहीं, क्यों? तुम्हें हिलाने से फुर्सत नहीं, क्योंकि वो भी देती नहीं होगी तेरे को। हिला के सो जा। एक बंदा किसी के दिल में आया, भाई सिंगल है, भाई की लड़की पटवा देते हैं, लड़की को बंदी पटवा देते हैं। सिर्फ अपना सोचना, भाई का मत सोचना। एक तो ब्रो सेना में वैसी लड़कियों की तादाद कम है। अब क्या लड़कों पे काम चलाता रहूं मैं? कौन बोला? मैं नहीं चलाता भाई। अरे जवान कट गई मेरी, फ्लो फ्लो में निकल गया। नहीं करता लड़कों के साथ कुछ भी मैं। बट नहीं, तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे सिमरन। भाई साहब, मेरा गुरु सही कहता था, आदमी दुख में काम आना चाहिए, क्योंकि खुशी में तो हिजड़े भी नाचते हैं। दुख भी मेरा, नाच भी मैं रहा हूँ और गालियां तुमको दे रहा हूँ। पाव लगे मुझको। देखो लड़कियों, मैं बता रहा हूँ, देख कोई नहीं रही होगी, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, रुको तो सकती। देखो तुम्हें वो चाहिए होता ना जो बर्बाद इंसान होता है, जिसको तुम कितना भी प्यार कर लो तुम्हारी कदर नहीं करेगा। मैं एकदम वही हूँ। वही हूँ मैं। हाँ रफ्तार भाई, मैं भी वही बोल रहा था, तुम क्यों आ रहे बीच में? मालूम है गाना है, रुक जाओ। अरे यार होता नहीं यार, डेली वीडियो में इतना फंसा रहता हूँ ना, टाइम नहीं दे सकता मैं किसी को। कहाँ से दूं टाइम? मैं बता रहा हूँ 90% रिलेशनशिप मेरे टूटते इसलिए, क्योंकि मैं टाइम नहीं देता। बाकी चीजों के लिए नहीं देता। शॉपिंग चला, चलना बेंच निकल, लौड़ी पाईली फुर्सत में निकल, घर पे कोई नहीं आओगे? अरे गेट को बाहर खड़ा हूँ। कौन बोला? चल बे। अबे साले। नहीं मैं सही बोल रहा हूँ बे, मतलब अगर हमें रिलेशनशिप में रहेगा ना, मैं फोकस नहीं करेगा, बट जब ब्रेकअप हो जाएगा ना, तो पी का कॉल करेगा पक्का 100%। क्योंकि किसी ने कहा है, कुछ रिश्ते टूट तो जाते हैं पर कभी खत्म नहीं होते। बस सही बोल रहा हूँ यार, मतलब मेरा मानना है ना कि जो मोहब्बत है ना, वो दो लोगों के बीच का नशा है। जो पहले होश में आया वो बेवफा है। पसंद आई तो मेरी है, नहीं आई तो गुलजार ने लिखी, मेरे को मत बोलना। पाव लगे सबको। भाई साहब सही बता रहा हूँ, लड़की पटाना मुश्किल हो गया है, नामुमकिन लग रहा मुझे तो। माता चोद, देख तो तुम भी हरामी हो ना साले, कमेंट में आया कल। भाई सल्यूट है आपको, 50 साल की उम्र में भी इतनी तगड़ी, जवानों से भी तगड़ी एनर्जी। ग्रैंड, तेरी माँ होगी 50 साल की भोपड़ी के। मैं भी स्वीट 16 हूँ, अंडर एज हूँ मैं, पापी, आधार कार्ड भी नहीं है मेरा। अबे है जो के यार, घटिया है बालू में, ठीक है क्या कर लोगे, झाड़ पाड़ लोगे? नहीं पाड़ सकते, शेव किया हुआ है। कौन बोला? मैं नहीं बोला। चार में बट ऐसा नहीं, मैं डेस्परेट हूँ, फुद्दू आदमी नहीं हूँ मैं। मुझे मालूम है तुम क्या चलाओगी, कमेंट हैशटैग ज्ञानी फुद्दू है। चल बे, पहली फुर्सत में निकल, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। मालूम है सारी चीजें घटिया कर रहा हूँ मैं अभी तक, बट फिर भी एटलीस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें हंसाने की। मैं तुम्हारे लिए सब चीजें करता हूँ, क्यों? क्योंकि तुम मेरे भाई हो, भाव हो तुम मेरे। मेरा भाव कहाँ है? हिंदुस्तानी भाव, वेयर इज ही? अब मैं किस मुंह से प्ले करूं उनके क्लिप? क्योंकि अगर मैं प्ले करूंगा उनके क्लिप, तो मेरी अंतरात्मा भी मुझसे बोलेगी, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। जबकि मैं जानता हूँ वो मेरे को दिल से कहना चाहते हैं, डार्लिंग है तू मेरा, अपना डार्लिंग है तू, मैं चाहता हूँ एक बार फिर से आके वो वीडियो में बोले। समझा? समझा क्या? पर सीरियसली यार, यूट्यूब ने जस्ट इनकेस तुम्हें नहीं मालूम ना, यूट्यूब से हिंदुस्तानी भाव का चैनल जा चुका है। जिस बंदे को हम चाहते थे कभी अलविदा ना कहना, वो जुदा हो गए देखते देखते। क्या बोल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, जिंदगी बर्बाद हो चुकी सबकी, सबकी। दुनिया में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हिंदुस्तानी भाव यूट्यूब से चले गए, जबकि उन्होंने बोला था किसी के गांड में दम नहीं उनको हटाने का। भाव, वी वॉन्ट यू इन आर लाइफ। मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो, उस बंदे से ज्यादा सिंपली कोई नहीं रख सकता। तो हम लोग क्या करते हैं यार, हमारे पास छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, हम बड़ा कर देते हैं। उस बंदे ने जिंदगी में इतना कुछ देखा हुआ है, उसे बस उसके तरह कोई डील ही नहीं कर सकता सिचुएशन से। मैं सीरियसली स्पीचलेस हूँ, क्या बोलूँ? मेरे को पहले तो मुझे पता नहीं क्यों गया है, हाँ थोड़ा बहुत आइडिया है, ये यूट्यूब की जो नई पॉलिसी थी उसके हिसाब से हो सकता है, बट अभी YouTube की पॉलिसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, मेरे को कोई उसमें समझ में नहीं आ रहा हूँ क्या रहा है YouTube इंडिया पे या पूरे इंटरनेट पे। और अगर YouTube की वजह से गया तो मुझे लगता है यार आ जाओ या दोबारा, क्या हो गया, थोड़ी कम गाली रख लेंगे इस बार। वैसे भी हमने देख लिया ना, और सिचुएशन भी ऐसी है ना कि थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता लाइफ में। भाव सुन रहे हो? नहीं, गाना गाऊँ? आओगे फिर पक्का? सुन रहा है मराठी गाना गाऊँ? रुक जाओ, कल गाऊंगा, आज नहीं। लास्ट वीडियो थी ना, सही पॉइंट के साथ उन्होंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो के बारे में अगर तुम्हें याद नहीं ना, लास्ट वीडियो उन्होंने वुमन सेफ्टी के ऊपर बनाई थी, वो बहुत अमेजिंग मैसेज था। और इस वीडियो के बारे में बात करने की जरूरत क्यों है? सुना गार्गी में क्या हुआ? गार्गी जिनको नहीं पता, गार्गी एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, कॉलेज है, जो लड़कियों का कॉलेज है मेरे ख्याल से, हाँ एक्चुअली लड़कियों का कॉलेज है, बट मेरा भाई भी पढ़ा है उसमें।
मेरा भाई लड़की नहीं है। अबे सही बोल लो, मेरा भाई भी पढ़ा उसमें। मतलब कुछ सीन है उनका कि नॉर्मल दिन पे तो वो लड़कियों का कॉलेज है, बट संडे वनडे जो छुट्टी वाले दिन होते हैं ना उसमें फिर ये जो ओपन करस्पॉन्डेंस वाले होते हैं ना उनको ही भेजते हैं। हाँ मेरा भाई इंजीनियर भी है। नहीं भाई इंजीनियर ओपन से इंजीनियरिंग नहीं करी उसने। क्या करो अपने भाई को फंसा रहो। इंजीनियर बाद में बना, उससे पहले वो करते ना वो क्या BBQ MCQ नहीं, अबे होता है यार कोई कोर्स होता है कंप्यूटर का। तो वो कर रहा था ओपन से, तो उसकी क्लासेस लगती थी वहाँ पे। क्यों बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कोई इंटरेस्ट नहीं तो मैं जाने पर बताऊंगा। बट बहुत सीरियस चीज़ हुई है गार्गी में। सो गार्गी का एक कोई फेस्ट चल रहा था, फेस्टिवल मना रहे थे किसी चीज़ का मेरे को लगता है। हाँ मैं कॉलेज गया नहीं, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था वहाँ पे। तो वो जो चीज़ हो रही थी ना फंक्शन जो हो रहा था उसमें कुछ हरामी छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन नहीं हरामी, वो बिना लुल्ली वाले लेस्बियन पहुंच गए वहाँ पे दारू पी के और हंगामा किया, लड़कियों के साथ छेड़खानी करी। पाप लगे तुम, इसलिए तो लगे ही लगे कि तुम लड़कियां छेड़ रहे हो, वो भी उनके कॉलेज में घुस के और सिक्योरिटी कुछ नहीं कर पाती। बट इसलिए भी क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से दारू बंदा में। रवि शास्त्री भी तुम्हें बोलेगा पाप लगे तुम, जॉनी वॉकर भी तुम्हें बोलेगा पाप लगे तुम्हें, बहन जो देसी ठर्रा भी बोलेगा तुम्हें पाप लगे सालो। हरामी गई के भाई साहब, दुनिया में हरामी लोगों की कमी नहीं, देखना ना इस देश को देखो। और हम लोग कितना भी कर ले भाई साहब, हम लोग कितना भी रोले, वुमन सेफ्टी वुमन सिक्योरिटी, बच्ची पढ़ाओ बच्ची भगाओ, मतलब आगे बढ़ाओ, कुछ नहीं होने वाला जब तक हम लोग अपना सोसाइटी नहीं बदलते। और हम लोग कितने को भी ब्लेम दे दें, पॉलिटिशियन को ब्लेम दे दें, पुलिस को ब्लेम दे दें, बट गलती हमारी है, हम हर केस में एज ए सोसाइटी फेल करते हैं। और यही यही मौका मिलता है ऐसे लोगों को जहाँ पे जाके वो कुछ भी चाहे करना कर सकते हैं, और हम क्या करते हैं, अरे निंदा निंदा कड़े शब्दों में निंदा, अरे गांड में ले ले अपनी निंदा भेंचोद। कंट्रोल कंट्रोल उदय, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्यों भावुक होता हूँ। जब ये न्यूज में पढ़ता हूँ ना तो मेरे दिमाग में मैं हमेशा बस अपने आप को उस जगह पे रख के देखता हूँ कि अगर उस कॉलेज में मेरे घर से या मेरी फैमिली से कोई लड़की होती या उसके साथ ये चीज़ होती या उसको ये चीज़ झेलनी पड़ती, तुम्हें कैसा फील होता। और मैं सही बोल रहा हूँ, जब भी ये इंसिडेंट्स आते हैं ना, हम जिसको मर्जी जितना मर्जी ब्लेम दे दें बट एज अ सोसाइटी हम लोग फील करते हैं। हम भले ही लड़कियों को माता रानी का दर्जा दे दें, भगवान का रूप कह दें, बट फिर ये कैसे होता है। तुम तो साले देशभक्ति करते हो ना, भगवान की दिशा में जाना चाहते हो, तुम्हारे राज में भी यही हो रहा है। ऑनलाइन आके भी माँ बहनों को गालियां पड़ती हैं। निर्भया केस से लेके अब तक क्या क्या बदला हमने, हर बार ऐसी न्यूज आती रहती है, चाहे वो दिल्ली हो हैदराबाद हो मुंबई हो, हर जगह ये सीन है। और जब तक हम एज एन सोसाइटी ग्रो नहीं करेंगे ना, ये चीज़ कभी नहीं रुकने वाली। और ये सिर्फ इंडिया का सीन भी नहीं है, ये बाहर का भी सेम सीन ही है। सुना पाकिस्तान में क्या हुआ, देखो पहली चीज़ बता देता हूँ, मेरा कोई राइट नहीं बनता पाकिस्तान के इंटरनल इशू में बोलने का, बट ये ज़रूरी है पाकिस्तान की आवाम और उनके कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। पाकिस्तान में एक माइनर को, बच्ची को, क्रिश्चियन लड़की को कन्वर्ट कर दिया इस्लाम में और अंडर एज लड़की से शादी कर ली। लड़की के मॉम डैड केस किया, बट पाकिस्तानी कोर्ट ने ये कह के शादी को लीगल करार कर दिया क्योंकि लड़की को पहला पीरियड हो चुका था। वो माइनर है, मतलब कल मैं तुम्हें बोल रहा था ना, मैंने कल भी ये बात रिकॉर्ड करी थी, बट एंडिंग सैड थी और लास्ट में डाला था मैंने, इसलिए मेरे को हटाना पड़ गया। बट वो ये बात है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इंडिया में रह रही माइनॉरिटी की प्रॉब्लम है, और इंडिया में जो पॉलिटिशियन हैं उनको पाकिस्तान की माइनॉरिटी की प्रॉब्लम है। दोनों देश में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में सोच के तो देखो यार। और मैं एक्चुअली कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं बस बोल रहा हूँ ये बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। और मेरी रिक्वेस्ट है यार पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर से, तुम्हारे सामने ये सारी न्यूज़ आती है, मैं हिंदुस्तान में बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो तुम क्यों नहीं करते, तुम आवाज़ क्यों नहीं उठाते यार। बट जो भी है वो गलत है, जो दिल्ली में वो गलत है, जो पाकिस्तान में वो गलत है। और ऐसे हम लोग एज ए सोसाइटी ग्रो नहीं कर सकते। साला मैं मजाक नहीं कर रहा अभी, सीरियसली मैं ये जेन्युइनली बोलना चाहूँगा, मैं अपनी लाइफ के उस पॉइंट पे हूँ ना जहाँ पे पहले तो एक पल पे ये भी था कि हाँ जब मैं यंग हुआ करता था बहुत ज़्यादा तो मैं लड़कियाँ देख लेता था, अभी मैं रास्ते पे ज़मीन देख के चलता हूँ। मैं किसी को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और दूसरा, ज़मीन पे देख के चलने से एक फ़ायदा ये है कि कभी कोई पैसा वैसा गिरा हो तो मिल सकता है। पाप लगे मुझे, सीरियस बातें नहीं कर सकता ज़्यादा देर में। बट ये गलत हो रहा है मुझे लगता है, ये एज एन यंगस्टर्स ऑडियंस जो है, यंग ऑडियंस जो है, जो पढ़ी लिखी इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है, उनको ये चीज़ उठानी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, ताकि कल को जब तुम माँ बाप बनो और तुम्हारी कोई बेटी हो तो वो रोड पे सेफली जा सके और तुम्हें उसकी चिंता ना हो।
साला क्या हैप्पी एंडिंग दो इसमें यार, सारे तो सैड न्यूज है। अच्छा ऑस्कर्स, हर जगह यही तो चल रहा है भेंचद, ऑस्कर ऑस्कर हर जगह छा रहा है लौड़ा। ऑस्कर में कोई जीता कोई हारा मेरे को लौड़ा फर्क नहीं पड़ता। हाँ जोकर जीत गया बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और सेकेंड जो सबसे बड़ी हाईलाइट, दो मेरे को दो तीन हाईलाइट बहुत अच्छी लगी। एक तो अपना कियानो रीव्स, वो अपनी माँ को डेट बना के लाया, मतलब प्लस वन लेके आया। और दूसरा जो सबसे ब्रिलियंट चीज़ मुझे लगी है वो है अपना M&M का रैप परफॉर्मेंस, माम स्पागेटी। अरे हाँ 2002-2003 में उसने भी जीता था ऑस्कर, और 18 साल बाद वो एक्चुअली परफॉर्म करने आया स्टेज पे। सो वो बहुत आइकॉनिक मोमेंट था, मतलब जब तो वो परफॉर्म कर रहा ना देखने लायक था लोगों के एक्सप्रेशन। मैं प्ले नहीं करने वाला, कॉपीराइट आ जाता है, बट हाँ मतलब वो चीज़ देख के ना मेरे अंदर का राहुल गांधी निकल गया, मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, और ये मज़ा इंडिया वालों को कम मिलेगा जब इंडिया के परफॉर्म करेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर वो इंडिया के परफॉर्म करेगा ना भाई साहब कितनी महंगी टिकट हो मुझे भीख मांगनी पड़ जाए, बट मैं बाय करके जाएगा, जाएगा तो जाएगा। चलो फिलहाल तुम जाओ कहाँ, मैं हूँ ज्ञानी.com/shop, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मेरी नहीं है ये, अनु की है, मेरी वाली पहनों पर कल बंद हो जाएगी, कल गायब कर दूंगा मैं सारी, बता रहा हूँ मजाक नहीं सच्ची। देख मैं बता रहा हूँ सीरियसली, तूने कल हरामीपंती करी ना साला, कल मैंने बोला कि मैजिक देखो ग्रे से ब्लू करो, हरामी महंगा माल फूक के बैठे थे, कहते भाई डिसलाइक पे भी काम कर रहा है। अरे अब शगुन होता तभी तो नहीं बताया था मैंने हरामी। साले ओवरस्मार्ट बनते हो, पाव लगे तुम्हें छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन। सो जाओ चेकआउट करो मर्च, और सिर्फ लाइक पे करो, जो डिसलाइक करके जाता है ना उसकी लुल्ली खत्म हो जाती है, उसकी बंदी नहीं पड़ती, वो खुद बंदी बन जाता है, फिर टिकटॉक पे मुजरा करना पड़ता है। मैं भी टिकटॉक पे मुजरा करता हूँ, पाव लगे जख्म वही होता है जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वो तमाशा बन जाता है। True story, bro.